नमस्कार दोस्तों, सीएनसी प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मल्टीटेक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं। कई सारे लोग हैं, हमारे खुद के कंपटीटर भी हो सकते हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट भी हो सकते हैं। अब आज उनका खुलासा करना है। हम आपको थोड़ा सा एक सिंपल वे में बताते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए उन चीज़ों का खंडन करते हैं। ये आप देख सकते हो, ये आप फोटोज़ वगैरह देख सकते हो, ये सारे स्टूडेंट हैं जो कि मतलब एक तरह से ठगी मार के गए हैं। एक विश्वास के तौर पर हमने विश्वास किया, चलो इनको करवा दो आगे सिलेबस, लेकिन फीस ये दे के नहीं गए। सर्टिफिकेट क्या लेना है इन्होंने अगर कोर्स कंप्लीट हो गया, ये स्टूडेंट हैं। उसके बाद कहते हैं हमको जॉब नहीं मिलती जी, ये वो है। आप ठगी मारोगे तो क्या उम्मीद आप रख रहे हो कि हमको आगे वहाँ से मतलब कुछ ना कुछ मिलेगा? आपने तो अपना लिंक ही ख़त्म कर दिया ना। ये सारे हमारे पास ये इमेजेस हैं, ये आप देख सकते हो, ये वो स्टूडेंट हैं जो ठगी मार के गए। सर आधा कोर्स हो चुका है, हमारा क्या नियम है, नियम कह लो या शर्त कह लो, अगर बाहर इंस्टीट्यूट की हम बात करें, बाहर इंस्टीट्यूट में क्या होता है, पूरी फीस दीजिए। किसी के 17,000 है, किसी के 19,000 है, तो वो कहते हैं पूरी 19,000 रुपये दीजिए तब जाके आपका कोर्स स्टार्ट होगा। मतलब पूरी फीस, वो फीस भी ज़्यादा है और एडवांस भी लेनी है। टाइमिंग कोई नहीं मिलनी है प्रॉपर, सुबह का रखा है 8 से 10 की टाइमिंग, 8 से अगर 8:30 हो गए तो आप घर जाइए कल को आना। ऐसा नहीं कि 8:30 से 10:30 बजे तक करवा दो, ये सिस्टम हमारे यहाँ पे है। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक की टाइमिंग है। अभी भी अगर टाइम की बात करें तो 6:15 हो रहे हैं और 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक की क्लास हमारी लगती है। टाइमिंग की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। इन स्टूडेंट को क्या, सभी स्टूडेंट को जो भी हमारे पास आते हैं, हर टाइम दिया, हर सहूलत दी, कॉरपोरेट इनके साथ किया हर टाइम। लेकिन इन्होंने क्या किया, सर करवा दीजिए आगे, किसी का कुछ बहाना, किसी का कुछ बहाना, सर हम फीस दे देंगे। जब कोर्स कंप्लीट हुआ उसके बाद आना बंद कर दिया, फ़ोन उठाना बंद कर दिया, दोबारा कॉलिंग वगैरह कुछ नहीं। और ये हमको पता लग रहा है जब ये कमेंट कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, नेगेटिव रेटिंग कर रहे हैं कि यहाँ से मत कीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं होता। ठीक है, हम जो भी वीडियोज़ हमारी देख रहे हैं या देखते आ रहे हैं पीछे से, उनको एक ही अपील करते हैं कि आप किसी के कमेंटों के बहकाव में मत आइए, पहले जाइए जहाँ पर कुछ आपको करवाया जा रहा है, जो भी बंदा बोल रहा है, सिलेबस देखिए, परखिए, जानिए, खुद जाके अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। ये नहीं कि किसी के कहने पे, अगर हम इनकी बात करें ना तो ये सारे फ्रॉड हैं। कहने को हमारे स्टूडेंट थे लेकिन ये फ्रॉड हैं। इनकी हमने तब तक कदर रखी जब तक इन्होंने नेगेटिव कमेंट नहीं किए, जब तक इन्होंने नेगेटिव बोलना स्टार्ट नहीं किया, इन्होंने हमारी फ़ीस नहीं दी। चलो फीस मार गए बीच में, फ्रॉड कर गए, ठीक है। क्योंकि देखो, जहाँ से आप शिक्षा लेनी है आपने, जहाँ से आपने मतलब इतना कुछ सीखना है, वहीं पर आप फ्रॉड कर रहे हो। ठीक है, कोई 5-6 हज़ार रुपये तो महल से तो डालने लोगे आप, ठीक है, लेकिन एक ये है कि ना अपनी जो इमेज है वो डाउन कर रहे हो। उसके बाद आप ये जो फ्रॉड करके ना हमारे पास किसी आने के लायक नहीं रहोगे, आप आने के लायक है ही नहीं। क्या उम्मीद कर सकते हैं वो हमसे, किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर अगर करप्ट होता है वो लेने नहीं आ सकते और ना ही हम उनको देंगे, ठीक है। जॉब की उम्मीद लगाते हैं, जॉब उनको बिल्कुल नहीं मिलेगी। फ्रॉड कर रहे हैं तो जॉब की क्या उम्मीद लगाते हैं हमसे, ठीक है। ये हैं, ये देखिए आप ध्यान से देख सकते हो, निर्मल, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये निर्मल है। सर जी करवा दीजिए, अभी पैसे की प्रॉब्लम है, आ जाएंगे थोड़े दिनों में दे देंगे। चलो भी तरस खा लेते हैं, कोई बात नहीं, एक कॉरपोरेट हमने किया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए सरदार जी, सरदारों की बात नहीं हो रही, इस बंदे की बात हो रही है, ये सिक्खी को दाग लगाने वाले बंदे हैं। सिक्खी का रुतबा बहुत ऊँचा है और ये बंदा सिक्खी के भेस में ना, सिक्खी को इस तरह के बंदे दाग लगाने वाले बंदे हैं। पूरी कौम को बदनाम नहीं करना चाहिए, पूरी कौम के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, इस तरह के लोग होते हैं जो कि कौम को बदनाम करते हैं। इस बंदे ने 5 ककार डाल रखे हैं, गुरु गोविंद सिंह महाराज के 5 ककार धारण कर रखे हैं इस बंदे ने, और इसने 5 स्वरूपों की सौं खा के, कसम खा के, सर आपकी फ़ीस कहाँ जाएगी, मैं गुरु का सिख हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए, इस पर इसलिए विश्वास किया। ये जो बंदा है प्रकाश, इसका नाम है प्रकाश, प्रकाश कुमार, ये सबसे ज़्यादा, इसकी आईडी भी प्रकाश कुमार के नाम से बनी है यूट्यूब के ऊपर, ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव कमेंट करता है। अगर प्रकाश कुमार के नाम से कोई नेगेटिव कमेंट आपको दिखे तो ये उसका फ़ोटो है, रियल फ़ोटो, शायद उसमें भी इसका यही फ़ोटो लगा हुआ है। और ये बंदा बाहर जाके कोर्स इसने बीच में ही छोड़ दिया था, कोर्स इसने आधे कोर्स के बाद इसने फीस नहीं दी,
आगे जाके कोर्स बीच में छोड़ दिया और बाहर जाके स्टूडेंट को कहता है कि यहाँ पर टाइम पास हो रहा है, कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करवाते हैं। पिछले 8 सालों से स्टूडेंट हमारे पास आ रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, ITI, डिप्लोमा, BTech, MTech, हर लेवल का स्टूडेंट यहाँ पर आ रहा है, कोर्स सीख रहा है, जॉब कर रहा है, इंडस्ट्री लेवल पर काम कर रहा है, पिछले 8 सालों से काम कर रहे हैं। तुम हमको सिखाओगे कोर्स कैसे करवाया जाता है? ठीक है, तुम्हारा कुछ दीन धर्म ही नहीं है, ईमान ही नहीं है। इनके साथ क्या सलूक किया जाता है, इन स्टूडेंट के साथ क्या सलूक किया जाए? ये स्टूडेंट हमारे नहीं है, इन्होंने ये इनकी ये कदर है। इस तरह के जो लोग हैं ये कहीं सक्सेस नहीं हो सकते हैं, ये कहीं सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इनकी ये कदर है, इनकी इन लोगों की ये कदर है। ये कदर है इन लोगों की। बाद में कहते हैं जी इंस्टीट्यूट खराब है। वो इंस्टीट्यूट आपकी नज़रों में ख़राब है ना, और क्यों है आपकी नज़रों में ख़राब, उसका रीज़न भी बताओ ना लोगों को, क्यों ख़राब है? ख़राब इंस्टीट्यूट है कि आपके हरकतें ख़राब हैं? वो बताना चाहिए ना, लोगों में नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हो आप? ये हैं, इनकी ये इमेज है, इनकी ये इज्जत है, इनकी ये रिस्पेक्ट है। तो कोई भी स्टूडेंट है कमेंट पढ़ के किसी भी वीडियो में कहीं पर भी, चाहे हमारा फेसबुक का पेज है, चाहे हमारे गूगल की रेटिंग्स हैं, चाहे हमारा यूट्यूब चैनल है, कहीं भी किसी भी तरह का कमेंट पढ़ के, नेगेटिव कमेंट पढ़ के ये फैसला नहीं करना है कि ये इंस्टीट्यूट सही है, ये इंस्टीट्यूट गलत है। पहले आइए इंस्टीट्यूट में, डेमो क्लास लीजिए, सिलेबस देखिए, खुद आके यहाँ पर फिर अपने माइंड से विचार कीजिए कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारा ये मोटो नहीं होता, हमारा ये मकसद नहीं होता कि जो स्टूडेंट हमारे पास आ गया उसको बिठा लो बस, टाइम आपका है, पैसा आपका है, उसको वेस्ट करना, इन्वेस्ट करना फैसला आपका है। कोई जादू टोना तो हमने आपको करना नहीं है, आपने अपने दिमाग से सोचना है कि कहाँ मेरे लिए सही है, कहाँ मेरे लिए गलत है। सो दोस्तों, फिर से ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये अपील करते हैं आपसे कि पहले इंस्टीट्यूट में आइए, इंस्टीट्यूट देखिए, उसको परखिए, उसके बाद फैसला कीजिए कि करना है या नहीं करना है। अगर इंस्टीट्यूट देख लोगे, डेमो क्लास ले लोगे, सिलेबस देख लोगे, उसके बाद जो आपका फैसला होगा, चाहे आप कहीं भी ज्वाइन कीजिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें ये तसल्ली हो जाएगी, चलो हमने अपनी तरफ से जो अपना सिलेबस है, आपके जो डाउट्स हैं, जो गलत लोग फैला रहे हैं, जो गलत फहमी जो फैला रहे हैं आपके माइंड में, वो दूर कर दी हमने, ये हमें एक संतुष्टि रहेगी। सो दोस्तों, प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, किसी के बहकाव में, किसी के कमेंट रीड करके नेगेटिविटी अपने माइंड में क्रिएट नहीं करनी है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।